हाँ जी बच्चों, तो आज हम पढ़ रहे हैं चाउ टेस्ट। चाउ टेस्ट फॉर स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी। देखिए, स्ट्रक्चरल चेंज का मतलब ये है कि जो हमारे पैरामीटर्स हैं, β1 β2 या जितने पैरामीटर्स हमने लिए हैं, उनकी वैल्यूज चेंज हो गई। हमारे पास टाइम सीरीज डेटा है और टाइम सीरीज डेटा में उनकी वैल्यू चेंज हो गई है। जैसे ओपेक बना 1970s में, मान लीजिए 1970 एग्जैक्ट डेट है, तो 1970 से पहले जो पैरामीटर थे और 1970 के बाद जो पैरामीटर हैं बदल गए हैं। जैसे इंडिया में 1991 में हमारी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज, उनमें बहुत ज्यादा चेंजेस आए, ठीक है। तो 1991 से पहले, 1991 के बाद एक स्ट्रक्चरल चेंज क्लियरली नजर आएगा आपको। लेकिन हमेशा डेटा में इतना आसानी से हम लोग ये नहीं बता सकते कि स्ट्रक्चरल चेंज है या नहीं है, ठीक है। टाइम सीरीज डेटा में ये बता पाना हमेशा आसान नहीं होता। उसके लिए हम ये चेक कर रहे हैं, चाउ टेस्ट ये बताता है आपको कि स्ट्रक्चरल चेंज हुआ या स्ट्रक्चरल चेंज नहीं हुआ, वेदर देर इज अ स्ट्रक्चरल चेंज और देर इज नो स्ट्रक्चरल चेंज। तो वो चाउ टेस्ट की हेल्प से हम लोग पता लगाते हैं, राइट। तो अब ये चाउ टेस्ट हम जब अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके लिए हमारे पास कुछ अजम्पशंस हैं। पहले तो लिखिए, अजम्पशंस फॉर चाउ टेस्ट। पहली अजम्पशन तो यह है बच्चों कि हम जानते हैं कि चेंज कहां से हो रहा है, किस डेट से चेंज हो रहा है। चाउ टेस्ट अज्यूम्स दैट, चाउ टेस्ट अज्यूम्स दैट वी नो द पॉइंट्स ऑफ स्ट्रक्चरल ब्रेक। चाउ टेस्ट अज्यूम्स दैट वी नो द पॉइंट्स ऑफ स्ट्रक्चरल ब्रेक। कहां से स्ट्रक्चरल चेंज आ रहा है चाउ टेस्ट के बाद, मानता है कि हम इस बात को जानते हैं। जैसे मैंने बताया, इंडिया में इकोनॉमिक पॉलिसी में चेंज हुआ 1991 पे, तो 1991 से पहले पैरामीटर्स कुछ और थे, 91 के बाद पैरामीटर्स कुछ और हैं। तो वो जो वो डेट ऑफ ब्रेकअप है वो हमको मालूम है कहां से ब्रेक हो रहा है, ठीक है। दूसरी अजम्पशन ये है, अजम्पशन नंबर टू, कि ब्रेक से पहले का जो पीरियड है उसका एरर्स है U1, ब्रेक के बाद का जो पीरियड है उसका एरर है U2, और वो दोनों एरर्स कैसे हैं, वो दोनों एरर्स होमोस्किडास्टिक हैं, उनमें से कोई भी हेट्रोस्किडास्टिक नहीं है। लिखिए सेकंड अजम्पशन, U1 T 0, σ² U1 T, ऐसे नहीं, U1 T फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन 0 वेरियंस σ² एंड U2T ऑल्सो फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन 0 एंड वेरियंस σ². दोनों जो एरर टर्म्स हैं, ब्रेक से पहले के पीरियड के एरर टर्म और ब्रेक के बाद के एरर टर्म, दे आर हैविंग अ मीन ऑफ 0 एंड दे बोथ आर होमोस्केडास्टिक, ठीक है। तीसरी अजम्पशन यहां पर ये है दैट U1 एंड U2 आर इंडिपेंडेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड। U1T एंड U2T आर इंडिपेंडेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड। यानी अगर मैं कोवेरियंस निकालूंगा, कोवेरियंस U1 U2 तो 0 आएगा। कोवेरियंस ऑफ U1 U2 इज 0। इनका आपस में कोई कोरिलेशन नहीं है U1 U2 का, दे आर इंडिपेंडेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है जी, बात राइट। चलिए अब चाउ टेस्ट लगाना कैसे है उसको समझते हैं जरा। स्टेप्स टू अप्लाई चाउ टेस्ट। सबसे पहला स्टेप, ठीक है, सबसे पहला स्टेप
हम पहले पूरे पूरे टाइम पीरियड पे एक मॉडल फिट कर लेते हैं। हम ये मान लेते हैं कि पैरामीटर सेम है, पैरामीटर्स में डिफरेंसेस नहीं है, ठीक है? या आपको इसमें शायद दिक्कत लगे, तो पहले मैं दोनों अलग अलग पीरियड्स के रिग्रेशन मॉडल सेट करता हूं। फिट द रिग्रेशन मॉडल फॉर बिफोर चेंज पीरियड, जो चेंज से पहले पीरियड है उसका आप रिग्रेशन फिट करते हैं। मैं सिंपल रिग्रेशन मान रहा हूं, मल्टीपल भी हो सकता है, मैं सिंपल मान के चल रहा हूं। वाई आई इज इक्वल टू बीटा वन प्लस या वाई टी, क्योंकि हम टाइम सीरीज डेटा ले रहे हैं तो वाई टी ले लीजिए। वाई टी इज इक्वल टू बीटा वन प्लस बीटा टू एक्स टी प्लस यू वन टी। ठीक है जी, एंड ऑप्टेन इट्स आरएसएस, इसका आरएसएस निकालते हैं। वी कॉल इट आरएसएस वन, ऑप्टेन इट्स आरएसएस, वी कॉल इट आरएसएस वन, इसको आरएसएस वन बोल देते हैं। आरएसएस समझते हैं आप लोग सब? रेजिडुअल्स सम ऑफ स्क्वायर्स, क्या होता है ये? समेशन ई आई स्क्वायर, सैंपल एरर वेरिएंस के स्क्वायर्स का सम। ठीक है, ठीक है जी। मॉडल इसके बाद फिट द रिग्रेशन मॉडल फॉर आफ्टर चेंज पीरियड, जिस डेट पे स्ट्रक्चरल चेंज आपको सस्पेक्ट है उसके बाद के पीरियड का निकालिए आप मॉडल। इसको बोलते हैं क्या? वाई टी इज इक्वल टू गामा वन वाई टी इज इक्वल टू गामा वन प्लस गामा टू एक्स टी प्लस यू टू टी। गामा वन प्लस गामा टू एक्स टी प्लस यू टू टी, एंड ऑप्टेन इट्स आर एस एस, वी कॉल इट आर एस एस टू। इसको बोलते हैं क्या? आर एस एस टू। ठीक है जी, थर्ड स्टेप फिट द रिग्रेशन मॉडल फॉर द कंबाइंड पीरियड पूरे कंबाइंड पीरियड का एक ही मॉडल फिट कर लीजिए। अब आप अगर कंबाइंड पीरियड का एक ही मॉडल फिट कर रहे हैं तो क्या मान रहे हैं आप? यह मान रहे हैं कि स्ट्रक्चरल चेंज नहीं है। फिट द रिग्रेशन मॉडल फॉर द कंबाइंड पीरियड अंडर द अजम्पशन या अंडर द रिस्ट्रिक्शन, ये जरा कहना बेहतर होगा, अंडर द रिस्ट्रिक्शन दैट देर इज पैरामीटर स्टेबिलिटी। अंडर द रिस्ट्रिक्शन दैट देर इज पैरामीटर स्टेबिलिटी, दैट इज beta 1 is equal to gamma 1 and beta 2 is equal to gamma 2। ये मान के चल रहे हैं कि पैरामीटर स्टेबिलिटी है, पैरामीटर चेंज नहीं हो रहे। इस रिस्ट्रिक्शन को मानते हुए आप मॉडल फिट करते हैं। वाई टी इज इक्वल टू लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 एक्स टी प्लस यू थ्री टी, एंड ऑप्टेन इट्स आर एस एस, ऑप्टेन इट्स आर एस एस, वी कॉल इट आर एस एस थ्री और आर एस एस रिस्ट्रिक्टेड।
क्योंकि आपने रिस्ट्रिक्शन लिया ना यहाँ पे, क्या रिस्ट्रिक्शन लिया आपने, दैट देर इज पैरामीटर स्टेबिलिटी, बीटा वन इज इक्वल टू गामा वन, बीटा टू इज इक्वल टू गामा टू, इस रिस्ट्रिक्शन के अंदर आपने ये मॉडल फिट करके आरएसएस निकाला, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, रिस्ट्रिक्टेड आरएसएस, आरएसएस आर। नाउ स्टेप नंबर फोर, फोर्थ स्टेप क्या है जी, स्टेप नंबर फोर, सिंस द फर्स्ट टू रिग्रेशन मॉडल्स, स्टेप नंबर फोर, सिंस द फर्स्ट टू रिग्रेशन मॉडल्स आर डीम्ड टू बी इंडिपेंडेंट, हमने माना है कि वो इंडिपेंडेंट है, सिंस फर्स्ट टू रिग्रेशन मॉडल्स आर डीम्ड टू बी इंडिपेंडेंट, सो देयर समेशन गिव्स, देयर समेशन गिव्स अनरिस्ट्रिक्टेड आरएसएस, आरएसएस यू आर इज इक्वल टू RSS 1 plus RSS 2, their summation gives unrestricted, यहां पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई हमने, हमने उनको उनके इंडिपेंडेंस को कायम रखा, कोई कंडीशन नहीं लगाई, RSS UR क्या है, अनरिस्ट्रिक्टेड RSS, अनरिस्ट्रिक्टेड आरएसएस, ठीक है जी। अब हम लेते हैं क्या हाइपोथेसिस, सेटअप द हाइपोथेसिस, सेटअप द हाइपोथेसिस, एच नॉट क्या लेते हैं, देर इज स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी, there is structural stability, और alternative क्या होगा, there is structural change, alternative is that there is structural change, H naught is that there is structural stability and H1 is there is structural change. ठीक है, एक बात पीछे बोलने से मैं रह गया, उसको वापस बता देता हूं। Now since we have taken only two parameters, so what is degrees of freedom for first model? For first model degrees of freedom are n1 minus k. And since k is 2, so I can say it is n1 minus 2 to be more specific. For second model, the degrees of freedom are n2 minus k. And since again I have taken two parameters, so I can write it as n2 minus 2. And for this joint regression model, for joint period, what are the degrees of freedom? N1 plus N2 minus K, that is, it is N1 plus N2 minus 2. Because for the joint model, I have taken the combined data. So the period is N1 plus N2. Right? Now, once we have set up the hypothesis, now we move to the next step, which involves computing test statistic. Computing test statistic. Since we are comparing their RSS, we are comparing indirectly, we are comparing their variances. So whenever we have to compare the variances, we have to use the F test. So we use F distribution here. We find F statistic. F is equal to RSS R minus
आर एस एस यू आर डिवाइडेड बाय के होल डिवाइडेड बाय आर एस एस यू आर अपॉन एन वन प्लस एन टू माइनस टू के। नाउ प्लीज नोट दिस थिंग वेरी केयरफुली दैट हेयर व्हेन आई फिट द मॉडल फॉर द एंटायर पीरियड टेकन टूगेदर द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम वर n1 plus n2 minus k. They were n1 plus n2 minus k over there. But here in F statistic, the degrees of freedom of the denominator, they are n1 plus n2 minus 2k. Please note the difference very carefully. There we had n1 plus n2 minus k, and here we have n1 plus n2 minus 2k. The difference is very clear. ठीक है जी, ओके। वंस वी हैव ऑब्टेन्ड द टेस्ट स्टैटिस्टिक, नाउ व्हाट यू नीड टू डू, सेट द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से अल्फा। And we know this thing that if question has not mentioned what level we should take, then normally we take 5% as the level of significance. So we'll follow that rule. We'll take 5% as the level of significance in the absence of any clear information from the question. Set the level of significance alpha and find F alpha for k degrees of freedom of numerator and n1 plus n2 minus 2k degrees of freedom of denominator. इक्वली रहेंगे हमेशा। नाउ वी कंपेयर एफ एन एफ एल्फा इन द नेक्स्ट स्टेप। कंपेयर कंप्यूटेड वैल्यू एफ विद टेबुलर वैल्यू एफ एल्फा। इफ एफ इज लेस देन एफ एल्फा, do not reject H naught. If F is less than F alpha, do not reject H naught. What does it mean? It means that there is structural stability. Do not reject H naught. That is, there is structural stability. There is no structural change. Whereas if we have F more than F alpha, then we reject H naught. What does it mean? That is, there is structural change. There is structural change. ठीक है जी, बात राइट। तो ये काम हमको करना है, ये स्टेप्स फॉलो करने हैं और एंड में रिजल्ट निकाल के बताना है कि यहां पे स्ट्रक्चरल चेंज हुआ या नहीं हुआ। अब ये जो हमारा चाउ टेस्ट है, इसकी एक मेजर डिसएडवांटेज क्या है, मेजर लिमिटेशन क्या है इसकी?
एक बात तो है ही कि भाई दोनों हम मानते हैं इंडिपेंडेंट हैं, दोनों पीरियड्स इंडिपेंडेंट हैं होमोस्केलास्टिक के, वो ठीक है। मेजर ड्रॉबैक ये है इसकी दैट इट फेल्स टू टेल वेदर देर इज, लिखवाऊंगा अभी, इट फेल्स टू टेल वेदर देर इज अ चेंज इन द इंटरसेप्ट टर्म और वेदर देर इज अ चेंज इन द स्लोप टर्म और देर इज अ चेंज इन बोथ द टर्म्स। इट जस्ट टेल्स वन थिंग दैट देर इज अ चेंज और देर इज नो चेंज, बट इट डज नॉट क्लासीफाई द चेंज, इसको क्लासीफाई नहीं कर पाता, ठीक है। द मेजर लिमिटेशन ऑफ चाउ टेस्ट इज दैट, द मेजर लिमिटेशन ऑफ चाउ टेस्ट इज दैट इट कैन जस्ट टेल वेदर, इट कैन जस्ट टेल वेदर द टू रिग्रेशंस आर डिफरेंट और नॉट, यानी देर इज स्ट्रक्चरल चेंज और नॉट, सिर्फ ये बता सकता है, बट इट कैन नॉट टेल वेदर देर इज, इट कैन नॉट टेल वेदर देर इज डिफरेंस इन द इंटरसेप्ट और डिफरेंस इन द स्लोप और डिफरेंस इन बोथ। इट कैन नॉट टेल वेदर देर इज डिफरेंस इन द इंटरसेप्ट और डिफरेंस इन स्लोप और डिफरेंस इन बोथ। इंटरसेप्ट में डिफरेंस है या स्लोप में डिफरेंस है या दोनों में डिफरेंस है, ये नहीं बता सकता, ये नहीं बता सकता कि डिफरेंस इंटरसेप्ट में है या डिफरेंस स्लोप में है या डिफरेंस दोनों में, ये नहीं बता सकता है। ये बस ये बता सकता है कि डिफरेंस है या नहीं है। डमी वेरिएबल हम यूज करेंगे, डमी वेरिएबल से हम ये बात एक्सप्लोर करेंगे कि डिफरेंस इंटरसेप्ट में है या स्लोप में है या दोनों में है, वो हम पढ़ेंगे डमी वेरिएबल एज ऑल्टरनेटिव टू चाउ टेस्ट। मगर वो पढ़ने से पहले एक क्वेश्चन करेंगे इसका, इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं जहां पे हम चाउ टेस्ट कैसे अप्लाई करना है वो सीखते हैं। तो देखिए जी, क्वेश्चन नंबर वन आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, कह रहा है न्यूमेरिक द पर्पस ऑफ दिस एम्पिरिकल एक्सरसाइज वाज टू चेक इफ द सेविंग इनकम रिलेशन इन यूनाइटेड स्टेट्स अंडरवेंट अ स्ट्रक्चरल चेंज ड्यूरिंग द पीरियड 1970 टू 1995 आफ्टर द 1982 रिसेशन। द फॉलोइंग मॉडल वाज एस्टिमेटेड, सेविंग्स वाज रिग्रेस्ड अपॉन इनकम। तो सिंपल रिग्रेशन मॉडल है, दो पैरामीटर्स हैं। द मॉडल वॉज एस्टिमेटेड फॉर थ्री टाइम पीरियड्स, तीन टाइम पीरियड्स के लिए एस्टिमेट किया है मॉडल हमने। एंड द रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर्स वॉज ऑब्टेन्ड फॉर ईच टाइम पीरियड। द रिजल्ट आर समराइज इन द फॉलोइंग टेबल। मॉडल वन जो है इट बिलोंग्स टू 1970 टू 1981, मॉडल टू 1982 टू 1985 एंड मॉडल थ्री 1970 टू 1995। आप क्लियरली देख पा रहे हैं यहां पर ये जो मॉडल वन है ये आरएसएस वन देगा आपको, ये बिफोर चेंज पीरियड है। मॉडल टू जो है आफ्टर चेंज पीरियड है, आरएसएस टू देगा आपको, और जो मॉडल थ्री है वो आपको देगा क्या, रिस्ट्रिक्टेड आरएसएस, इट विल गिव यू रिस्ट्रिक्टेड आरएसएस, ठीक है। तो 1% पे आपको टेस्ट करना है, आइए टेस्ट करते हैं जरा। डेटा नोट कर चुके हैं आप लोग होपफुली, ठीक है जी। तो देखिए डेटा है हमारे पास, तो पहले जो पीरियड है, पहले पीरियड है फॉर 1970 टू 1981। व्हाट इज एन वन हियर, सी द डिफरेंस बिटवीन 1970 टू 81 इज 11 इयर्स, बट सिंस वी इंक्लूड बोथ द पीरियड्स सो व्हाट वी डू, वी ऑलवेज ऐड वन इनटू द डिफरेंस। So difference is 11 years, but since we have to take 70 as well as 81, so N1 is 12 years. Difference plus 1. And what is RSS 1? RSS 1 is 1785.03.
नाउ फॉर 1982 टू 1995, नाउ अगेन द डिफरेंस इज 13 इयर्स बिकॉज आई हैव टू इंक्लूड बोथ द पीरियड, सो आई टेक एन टू एज 13 प्लस 1 14, एंड इन दिस केस आरएसएस 2 वुड बी, इट्स गिवन इन रादर, इट्स 10,005.22, 10,005.22. नाउ यूजिंग दीज टू आरएसएस आई गेट आरएसएस अनरिस्ट्रिक्टेड, आरएसएस अनरिस्ट्रिक्टेड, इट इज आरएसएस 1 प्लस आरएसएस 2. व्हाट डू वी गेट आफ्टर एडिंग देम? आई थिंक 11,090, 11,790.25, 11,290.25, यही आ रहा है, ठीक है. एंड फॉर द कंबाइंड पीरियड फॉर 1970 टू 1995, नाउ हियर N1 प्लस N2, द कंबाइंड पीरियड इज 26 इयर्स, और अगेन यू कैन चेक डिफरेंस बिटवीन 70 टू 95 इज 25 इयर्स, वी ऑलवेज ऐड 1 टू द डिफरेंस सो वी गेट 26 इयर्स. And here the RSS for this model is RSS restricted. We obtain RSS R. The RSS R is given to you as 23,248.30. 23,248.30. Now, and one more thing, what is K here? K is 2 because in all the regressions we have taken two parameters. So first of all, I'll set the hypothesis H naught, there is structural stability. And H1, there is structural change. What is test statistic? Test statistic is F is equal to RSS restricted minus RSS unrestricted divided by number of parameters divided by RSS unrestricted whole divided by N1 plus N2 minus 2K. So what is RSS R? How much we have computed? RSS R was 11,700. Sorry, RSS R is given 23,248. Point 30. RSS unrestricted we computed 11,790.25 divided by, there are two parameters, whole divided by RSS UR is 11,790.25 divided by N1 plus N2 is 26, 2K is 4 because K is 2. So I need to compute this now. Let us find it. So if you compute this, you will get 5729.025 in the numerator and 535.92 in the denominator. Net result is 10.69. I have used my calculator. Hopefully you are also allowed to use calculator. In Delhi University, calculator is allowed. Alag universities ka alag rule hoga. Fine. Now, what is the degree of freedom of numerator? Degree of freedom for numerator, I mentioned it is K and K is 2. And degree of freedom for
डिनोमिनेटर आर n1 प्लस n2 माइनस 2k, इट इज 26 माइनस 4 यानी 22। लेट अच्छा लेट नहीं, अल्फा इज गिवन द क्वेश्चन 1%। व्हाट इज एफ अल्फा? आई हैव द टेबल, फ्रॉम द टेबल ना द एफ टेबल इज सच दैट यू यू गेट हॉरिजॉन्टली यू गेट डिग्रीज फ्रीडम ऑफ न्यूमरेटर एंड वर्टिकली ऑन द लेफ्ट साइड यू गेट डिग्रीज फ्रीडम ऑफ डिनोमिनेटर। सो इन द कॉलम ऑफ 2 एंड इन द रो ऑफ 22 फॉर 1% टेबल वी गेट द वैल्यू ऑफ 5.72 बिकॉज वी हैव 2 एज द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ न्यूमरेटर। तो 2 के कॉलम में देखेंगे, वी हैव 22 एज द डिग्री फ्रीडम ऑफ डिनोमिनेटर, तो 22 की रो में देखेंगे 1% की टेबल में, एंड द वैल्यू विच आई गेट इज 5.72। नाउ क्लियरली आई कैन सी दैट दिस एफ इज मोर देन एफ एल्फा, सो वी आर गोइंग टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। सिंस एफ इज मोर देन एफ एल्फा देयरफॉर reject H naught, that is there is a structural change. Structural change in savings post recession. रिसेशन के बाद सेविंग्स में स्ट्रक्चरल चेंज आ गया है। यहां चाओ टेस्ट ने बता दिया कि स्ट्रक्चरल चेंज आया है, मगर ये नहीं बता पा रहा कि स्ट्रक्चरल चेंज स्लोप में आया है या स्ट्रक्चरल चेंज इंटरसेप्ट में आया है, ये नहीं बता पा रहा। ठीक है, तो ये उसका ड्रॉबैक है, राइट? अब देखो, अब इसके आगे हम पढ़ते हैं कि अगर डेटा में स्लोप में डिफरेंस है या इंटरसेप्ट में डिफरेंस है या दोनों में डिफरेंस है या किसी में डिफरेंस नहीं है तो क्या होगा। लिखिए, फोर काइंड्स ऑफ रिग्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ फोर काइंड्स ऑफ रिग्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल चेंज इन on the basis of structural change in the slope and intercept terms, on the basis of the structural change in slope and intercept terms for two different periods. सबसे पहला है यहां पे बच्चों, फर्स्ट इज कोइंसिडेंट रिग्रेशन, कोइंसिडेंट रिग्रेशन मतलब देर इज नो चेंज इन द इंटरसेप्ट टर्म, देर इज नो चेंज इन द स्लोप टर्म। अब याद कीजिए, आपने ऊपर दो मॉडल लिए थे, मैं आपको याद कराता हूं। हमने ऊपर दो मॉडल लिए थे, इफ यू रिमेंबर, एक लिया था वाई आई वाई टी इज इक्वल टू बीटा वन प्लस बीटा टू एक्स टी प्लस यू वन टी, और एक लिया था वाई टी इज इक्वल टू गामा वन प्लस गामा टू एक्स टी प्लस यू टू टी। ये था फॉर पीरियड वन, और ये था फॉर पीरियड सेकेंड। व्हेन आई एम सेइंग कोइंसिडेंट रिग्रेशन, व्हाट डज इट मीन? देर इज नो चेंज इन द इंटरसेप्ट, देर इज नो चेंज इन द स्लोप। बीटा वन इज इक्वल टू गामा वन एंड बीटा टू इज इक्वल टू गामा टू, आई विल गेट ओनली वन रिग्रेशन इक्वेशन। एक ही रिग्रेशन इक्वेशन मिलेगी मुझको जो एक दूसरे पे कोइंसाइड कर रही हैं।
Here at this point, this is the intercept term. Here we have beta 1 is equal to gamma 1, and the slope is same. Slope is same. This is 1, and this is beta 2 is equal to gamma 2. They have same slope, they have same intercept, coincident regression. Second situation is parallel regression. Now in this case, their intercept is same, sorry, their intercept is different, but they have same slopes. The intercept term beta 1 and gamma 1, they are different. Beta 1 is not equal to gamma 1, but beta 2 is equal to gamma 2. They have different intercepts and same slopes. So this is beta 1, this is gamma 1. Obviously I'm taking x on horizontal axis, I'm taking y on vertical axis. Now they have different intercepts, but if you find their slopes, you'll get same slope. This is beta 2 and this is gamma 2. They have same slopes, but they have different intercepts. So now in this case, we can say that there is structural change in the intercept term. No change in the slope term, but there is a change in the intercept term. Then we can have concurrent regression. Concurrent regression. You would have studied concurrent lines, those lines which pass through one common point, they're called concurrent. Now here the intercept is same, but the slopes are different. Both the models have same intercept, beta 1 is equal to gamma 1. But they have different slopes. Beta 2 is equal to gamma 2. Oh, sorry, beta 2 is not equal to gamma 2. They have same intercept but different slopes. Now they have same intercept. Intercept is same. At this point we have beta 1 is equal to gamma 1. But their slopes are different. This is the slope of first line, beta 2. And clearly this is the slope of second line, gamma 2. They have same intercept, but they have different slopes. This is concurrent regression. ठीक है जी, इस तरह से एक लास्ट है क्या हमारे पास, जिसको बोलते हैं हम लोग डिससिमिलर रिग्रेशन.
Now here, both the intercepts and slopes are different. Beta 1 is not equal to gamma 1 and beta 2 is not equal to gamma 2. So there is structural change in the intercept term as well as in the slope term. Both are different. There is change in the intercept term as well as in the slope term. So this is one regression. And this is the other one. Clearly, you can see that they have different intercepts and different slopes. Here we have beta 1, this is the gamma 1, and this is beta 2. Clearly, this is gamma 2. Slopes are different as well as the intercepts are different. So this is dissimilar regression. But the drawback of the Chow test is that we cannot, we cannot find out whether there is a change in the intercept or there is change in the slope or there is change in both. वो इतना बता रहा change है या नहीं है. तो अब उससे बचने का उपाय क्या है? उससे बचने का उपाय है हमारे पास. There is alternative. लिखिए डमी वेरिएबल एज अल्टरनेटिव टू चाउ टेस्ट. Dummy variable as alternative to Chow test. Instead of using Chow test, we can use dummy variables. How? So we fit the model yi, or rather yt, you can say yt is equal to alpha 1 plus d alpha 2 plus beta beta 1 x plus d beta 2 x plus ut. राइट, क्योंकि डमी वेरिएबल है तो आप डी आई लिख सकते हैं. एक्स टाइम वेरिएबल एक्स के साथ टी लिख लीजिए और डी आई इज वन फॉर पोस्ट चेंज पीरियड जो आपने ऊपर लिया था पीछे पीरियड 1982 से 1995 और डी आई इज जीरो फॉर प्री चेंज पीरियड जो आपने ऊपर लिया था 1970 से 1981 इफ आई एम नॉट रॉन्ग यही लिया था ना पीरियड फ्रॉम 1970 टू 1981 ठीक है. तो व्हाट विल बी द रिग्रेशन इक्वेशन फॉर प्री चेंज पीरियड. रिग्रेशन इक्वेशन फॉर 1970 to 1981 ये क्या होगा. दिस इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई व्हेन डी आई इज जीरो अल्फा वन प्लस बीटा वन एक्स टी एंड व्हाट इज रिग्रेशन इक्वेशन फॉर 1982 से 1995 व्हाट इज दिस. दिस इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई
फॉर डी आई इज इक्वल टू 1, दिस इज अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इज इक्वल टू, तो सॉरी इज इक्वल टू नहीं, प्लस प्लस बीटा 1 प्लस बीटा 2 एक्स टी. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस, यू कैन सी इन द इंटरसेप्ट टर्म्स अल्फा 2 इज द डिफरेंस, इन द स्लोप टर्म्स बीटा 2 इज द डिफरेंस. इन द इंटरसेप्ट टर्म्स अल्फा 2 इज डिफरेंस एंड इन द स्लोप टर्म्स बीटा 2 इज डिफरेंस. सो व्हाट इज अल्फा 2, व्हाट इज अल्फा 2, हियर अल्फा 2 इज डिफरेंशियल इंटरसेप्ट टर्म. Differential intercept term. It shows the difference between intercept terms. It shows the difference between intercept terms of the regression models for two periods. Intercept terms of the regression models for two periods. If alpha 2 is statistically significant, if alpha 2 is statistically significant, then if alpha 2 is statistically significant, then the intercept terms for two periods are different. If alpha 2 is statistically significant, then the intercept terms for two periods are different. So I can say that there is a change in the intercept terms if alpha 2 is significant. And if alpha 2 is insignificant, then if alpha 2 is insignificant, then the intercepts are identical. Intercepts are identical. ठीक है बात. And what is beta 2 here? Beta 2 is differential slope, or we call it slope drifter. Slope drifter, just said slope change over here. So beta 2 is the difference, beta 2 shows the difference in the slope terms, beta 2 shows the difference in the slope terms of slope terms of regression models for two periods, slope terms of regression models for two periods. If beta 2 is statistically significant, if beta 2 is statistically significant, then there is significant difference. Then there is significant difference in the slope terms. Then there is significant difference in the slope terms for two periods. If beta 2 is statistically significant, then there is significant difference in the slope terms for two periods. ठीक है जी, यानी स्लोप में चेंज आ रहा है. और अगर बीटा टू सिग्निफिकेंट नहीं है तब, इफ बीटा टू इज इनसिग्निफिकेंट देन देर इज नो चेंज इन द स्लोप. राइट, तो देखिए ऊपर जो डायग्राम से उनसे जरा रिलेट करते हैं. नाउ व्हाट हैपेंस हेयर इन कोइंसिडेंट रिग्रेशन, व्हाट हैपेंस, नाउ आई एम नॉट डीलिंग विद दीज वैल्यूज, इनको मैं डील नहीं कर रहा हूं अब. आई एम डीलिंग विद द न्यू वैल्यूज व्हिच आई हैव टेकन इन द डमी वेरिएबल एज ऑल्टरनेटिव टू चाउ टेस्ट. नाउ व्हाट 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 इज कोइंसिडेंट रिग्रेशन, देयर इज नो चेंज इन द इंटरसेप्ट टर्म, देयर इज नो चेंज इन द स्लोप टर्म. तो क्या होगा यहां पे, अल्फा 2 इज इनसिग्निफिकेंट,
बीटा टू इज ऑल्सो इनसिग्निफिकेंट, अल्फा टू इज इनसिग्निफिकेंट, बीटा टू इज ऑल्सो इनसिग्निफिकेंट. सो देर इज नो चेंज इन द इंटरसेप्ट, देर इज नो चेंज इन द स्लोप. एंड वट हैपन्स इन पैरेलल रिग्रेशन, स्लोप्स आर सेम बट इंटरसेप्ट आर डिफरेंट. इंटरसेप्ट कब डिफरेंट होंगे? व्हेन अल्फा टू इज सिग्निफिकेंट. सो आई एम नॉट डीलिंग विद दीज नंबर्स. व्हाट आई एम सेइंग हियर इज अल्फा टू इज सिग्निफिकेंट बट बीटा टू इज इनसिग्निफिकेंट. अल्फा टू इज सिग्निफिकेंट, बीटा टू इज इनसिग्निफिकेंट. मैं आपको फिर से याद दिला दूं, नाउ फॉर द करंट ऑब्जर्वेशन आई डोंट नीड दीज वैल्यूज, आई डोंट नीड देम एनी मोर बिकॉज नाउ एम नॉट स्टडिंग वट वी स्टडीड इन द चाउ टेस्ट. नाउ एम स्टडिंग यूजिंग द डमी वेरिएबल एज ऑल्टरनेटिव चाउ टेस्ट. सो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दीज वैल्यूज, दे आर यूजलेस फॉर मी नाउ, आई डोंट नीड देम. How about concurrent regression? In the concurrent regression, the intercept is same, but slopes are different. So what does it mean? It means intercept is same means alpha 2 is insignificant. There is no change in the intercept term. Slopes are different. Matlab beta 2 is significant for the concurrent regression. And here in the dissimilar regression, both alpha 2 and beta 2 are significant because there is difference in slope, there is difference in intercept. Both alpha 2 and beta 2 are significant. There is difference in the slope and there is difference in the intercept, so both alpha 2 and beta 2 are significant. So this is a better approach. With this I can find out whether there is a change in the intercept term, or there is change in the slope term, or there is change in the both. So I can determine, I can be more specific rather. So it has advantage over the Chow test, but broadly both are giving the same result whether there is a change or there is no change. Understand? Clear okay baat aapko?